Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One Channel. I hope you all are doing really well. My name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट वीडियोस पसंद आती हैं then make sure you subscribe to this channel if you haven't done yet. आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं for more life updates. सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू नाइट बिजी रूटीन, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज और साथ ही काफ़ी कुछ होने वाला है. सो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा. तो अभी यहाँ पे हमारा चाय का सेशन चल रहा है और अवनी जो है वो मेरे उठने के आधे पौने घंटे के बाद उठी जाती है और उस आधे पौने घंटे में मैं ट्राई करती हूँ कि मेडिटेशन, योगा, वॉक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, जो कि काफ़ी शांति चाहती है उन चीज़ों को करने के लिए. और जब ये आसपास होती है तो बिल्कुल कुछ नहीं करने देती है. और आजकल वो इतना कुछ नया नया सीख रही है, तो सबको कॉपी करने की कोशिश करती है. और कभी कभी तो हम बिल्कुल ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा कैसे इस तरह से काम कर सकता है. और अभी भी आप उसके फेस एक्सप्रेशन देखिए कि जैसे जैसे हम उसकी तरफ कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कॉपी करने की कोशिश कर रही है. तो चलिए चाय हमारी हो गई है. इसके बाद स्ट्रेट अवे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं दही जमाने वाली हूँ. यूजुअली दही मैं रात को ही सेट करके छोड़ देती हूँ, लेकिन रात ध्यान नहीं रही थी तो बस अब सुबह जमा रही हूँ. तो दूध मैंने सुबह उठते ही गर्म कर दिया था, तो अब तक थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो उसको मैंने लूक वार्म करने के लिए फिर से गर्म किया है. और जो दही का खट्टा होता है कल्चर, जिससे दही आप जमाते हैं, दही का छोटा सा एक पोर्शन, वो भी मैंने सुबह ही निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया था, तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था. और बस दूध और दही को आपको आपस में मिक्स कर देना है और उसके बाद मैं इसको योगर्ट मेकर में रख दूंगी और शाम तक दही जो है वो अच्छे से जम जाएगी. यूजुअली 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं. और योगर्ट मेकर मेरा लेकलैंड का है, मेरे पास इसका लिंक नहीं है, इनकेस यू आर इंटरेस्टेड. सो आप लेकलैंड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. और चलिए यहाँ पे एक हम दही की बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार करते हैं, एक्चुअली दही रोटी की. तो ये कल की दही थी मेरे पास, इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं और साथ ही मैंने थोड़ी सी इसके अंदर शुगर डाल दी है. तो यहाँ पे रोटी दही की हम एक चाट तैयार करने वाले हैं जो कि बहुत टेस्टी बनती है. और रीज़न ये है इस रेसिपी को फ़िलहाल बनाने का कि कल मैंने रोटी जो है वो रोटी मेकर में बनाई थी, जो इलेक्ट्रिक रोटी मेकर है. तो उसकी रोटियां अगर आप साथ साथ रखी हुई खा लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हैं, लाइक एक्स्ट्रा बन गई है, तो शाम को फिर या फिर नेक्स्ट टाइम आप नहीं खा सकते क्योंकि वो थोड़ी सी चूई हो जाती हैं. तो उनका जो है ये बेस्ट यूज़ है, क्योंकि ऑफकोर्स आप खाना वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं. मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, आई ट्राई टू रीयूज़ एवरीथिंग, अगर कुछ भी बच जाता है तो. यहाँ पे जो रोटियाँ थी 2-3 थी मेरे पास और इनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके दही के अंदर डाल दिया है. और मेरे घर में ये रेसिपी जो है वो बहुत फेमस है, मेरे मायके में बहुत फेमस है, वहाँ बहुत खाई जाती है. इवन दो अगर पूरियाँ भी बच जाती हैं तो इस तरह से दही में भिगो के उनकी चाट बना के खाते हैं. तो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इस तरह से दही में भिगो के रख दें और जब ये अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद जो चाहे आप इसके ऊपर टॉपिंग करें और आपकी बहुत ही मज़ेदार एक ये दही रोटी की चाट तैयार होती है. प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर यू ऑल गोना लव इट. तो ये अच्छे से मैंने कोट कर दी है और इनको अब मैं फ्रिज में रख दूंगी और ठंडी ठंडी चाट गोना टेस्ट ऑसम. इसके बाद बस मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर आके अब सारे कमरों की क्लीनिंग में यहाँ पे शुरू करूँगी. तो बेडरूम, मास्टर बेडरूम से शुरू कर रही हूँ. पहले ईवी की जो कॉट है उसको सही से करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल इसके अंदर कोहराम मचाए रखती है, अपने कॉट बम्पर्स वगैरह भी ढीले कर देती है आजकल और बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गई है, क्या बताऊँ. आप लोग इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स बहुत इंजॉय करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आते हैं आप लोगों के. तो चलिए बस अब मैं बेडरूम यहाँ पे अच्छे से क्लीन करती हूँ। पहले बेडशीट वगैरह जो है वो सही कर दूंगी और इसके बाद डस्टिंग करूँगी और रूम जो है एवरी रूम आई डू लाइक दैट कि पहले बेड बनाऊँगी, उसके बाद जो भी मेन फर्नीचर है जैसे कि बेड साइड है या फिर ड्रेसिंग है या फिर फ्लोटिंग शेल्फ्स वगैरह हैं, इन सब की मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो कमरे जो हैं वो नीट एंड क्लीन रहते हैं अगर आप डेली एक बार भी जो है उनके ऊपर कपड़ा मार देते हैं, और अगर आप पूरा वेट करते हैं कि अच्छे से डीप क्लीन करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी होती जाती हैं। तो बेटर है कि डेली आप 5-5 मिनट हर एक कमरे को दे दें तो एटलीस्ट वो मैनेजेबल रहता है। बाकी डीप क्लीनिंग तो देखो होती ही है कि हर चीज़ सरका सरका के आप क्लीन करेंगे। तो ये देखिए विद इन 5 to 10 मिनट्स बेडरूम जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो गया है मेरा मैनेज। इसके बाद फिर मैंने अद्विका रूम, स्टेयर रूम और एटिक जो है वो तो मैनेजेबल रहता ही है क्योंकि वहाँ तो कोई सोता नहीं है। देन आई केम टू वॉशरूम और यहाँ पे भी काउंटर पे कई बार चीज़ें जो हैं वो रखी रह जाती हैं जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह, और उनको मैं वापस जो है वो कबर्ड में रख दूंगी। और अद्वी के रूम का जो अरोमा डिफ्यूज़र है उसकी मैं प्लेट ऊपर वाली लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल डालते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिक हो जाता है नीचे, तो उसको मैं क्लीन करके और तभी दोबारा से उसको मैं ऑन करती हूँ, तो उससे जो है वो अच्छे से महकता है और क्लीन वाइब्स आती हैं। साथ ही टॉयलेट रोल्स जो हैं वो फिनिश हो गए थे तो वो मैंने फिल कर दिए हैं इस स्टैंड के अंदर, और बस थोड़ा सा पानी जो है अरोमा डिफ्यूज़र के लिए मैंने ले लिया है और इसको जाके अब मैं अद्वी के रूम में लगा दूंगी। और सुबह सुबह जब घर में अच्छे से खुशबू आए ना तो काम करने का मोटिवेशन अलग ही आता है, यू फील रियली गुड। और किसे किसे अच्छा लगता है कि जब घर अच्छे से महकता रहे तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल आ जाता है। और जो ये चेरी ब्लॉसम वाला एसेंशियल ऑयल है ना, इसकी खुशबू तो खैर बस पूछे ही ना, बहुत ही अच्छी खुशबू है। इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे कपड़े अब मैं डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में। और आज वाइट लॉन्ड्री का टर्न है, मेरे घर में मोस्टली टॉवल्स जो हैं वो वाइट ही हैं, इसके अलावा वेस्ट हो जाती हैं, वाइट टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, तो वाइट में इकट्ठे करती रहती हूँ और एक साथ ही मैं उनकी लॉन्ड्री करती हूँ। और वाइट कपड़ों को अच्छा सा ब्राइट वाइट रखने के लिए मैं वैनिश का यूज़ करती हूँ, सभी सुपर मार्केट में अवेलेबल है ये वाइट कपड़ों के लिए, इवन कलर्ड कपड़ों के लिए भी एक अलग से आता है, मैं वो भी रखती हूँ, तो उससे कलर्ड कपड़े भी जो होते हैं ना वो भी अच्छे से ब्राइट रहते हैं। तो बस नॉर्मल जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है वो मैंने डाल दिया है, फैब्रिक सॉफ्टनर ऐड कर दिया है और वैनिश डाल के मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है। और मैं 90 डिग्रीज पे वॉश करती हूँ टॉवल्स वगैरह ताकि वो अच्छे से क्लीन हो। और इसके बाद जो किचन वाला मेरा अरोमा डिफ्यूज़र है उसको भी मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैंने एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है रोज़ का, और इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो बस पूरे घर की जो क्लीनिंग है ऑलमोस्ट हो गई, लाइक डीप क्लीनिंग काइंड ऑफ वैक्यूम मोपिंग वो भी बाकी है, लेकिन पूरा घर जो है वो एक मैनेजेबल स्टेट में आ गया है फिलहाल, ताकि वो फैला हुआ नहीं है, वो बिल्कुल संवरा हुआ है। और बस साथ ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने शुरू कर दी है और आज का ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी बनने वाला है जिसको कि आप डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं अद्वी के लिए बना रही हूँ, तो 2 ब्रेड स्लाइस मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसके ऊपर मैंने न्यूटेला लगा दिया है। हफ्ते में 1-2 बार मैं अद्वी को न्यूटेला दे देती हूँ, बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड वगैरह बहुत अच्छा लगता है। आई नो के शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है बट 1-2 बार देने से कुछ नहीं बिगड़ता, 1-2 टीस्पून अगर बच्चे खा लेते हैं देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत अच्छे से इसकी कैलोरीज जो है वो बर्न कर देते हैं। तो न्यूटेला मैंने लगाया है और इसके बाद मैंने ब्रेड के दोनों तरफ जो है वो अच्छे से मैं बटर लगाऊंगी, पहले एक तरफ लगाऊंगी उसके बाद इसको पैन में रख के और फिर दूसरी तरफ जो है वो मैं बटर लगाऊंगी। अब ये मत सोचेगा कि रेसिपी यहीं पर कंप्लीट हो गई, नहीं, इस रेसिपी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आप अभी देखने वाले हैं, एंड दैट्स वाई इट इज़ अगेन मस्ट ट्राई रेसिपी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पहले ब्रेड को हम दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। तो एक तरफ से ब्रेड हो गई है टोस्ट, इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे दूध। तो ये है हमारा मिल्क टोस्ट और बिल्कुल सॉफ्ट ये ब्रेड हो जाती है, अंदर जो है वो न्यूटेला रहता है, इसमें चॉकलेटी फ्लेवर काइंड ऑफ ये आपको फ्रेंच टोस्ट का टेस्ट देता है, लेकिन ये एगलेस है और ना ही आपने इसमें कोई भी कस्टर्ड पाउडर वगैरह यूज़ किया है। तो इट इज़ क्विक फिक्स और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, तो आप अपने बच्चों के साथ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर की जो फिलिंग है या स्टफिंग है वो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक और तरीका आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। सो यस, गिव इट अ ट्राई। और अगेन बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो मिल्क डाल के स्पून से अच्छे से फैला दें ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से काइंड ऑफ सॉगी सा हो जाए और ये बहुत ही अच्छा बनता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, मैंने कई बार बोल दिया है क्योंकि अद्वी को ये बहुत अच्छा लगा। सो अगेन ट्राई ज़रूर करना। तो एक मैंने ये मिल्क टोस्ट बनाया है, साथ में मैंने उसको एप्पल स्लाइसेस दिए हैं और शी गोना एंजॉय इट विद द मिल्क। और मिल्क के अंदर मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड किया है। नाउ आई एम गोना मेक फॉर हस्बैंड, और उनके लिए मैं जैम यूज़ कर रही हूँ। उनको न्यूटेला ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं अगर अपने लिए बनाती तो मैं एक तरफ फ्रूट जैम और एक तरफ पीनट बटर इसमें लगाती, या फिर सिर्फ पीनट बटर लगाती। तो इट इज़ ऑल्सो अगेन एन ऑप्शन। अगर आप चाहें तो पीनट बटर या फिर कैश्यू बटर जो है आप उनके साथ भी, किसी भी नट बटर के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उससे ये मीठा भी कम होगा। और जो दूध हम इसके ऊपर डाल रहे हैं वो दूध फीका ही है, ऐसा नहीं कि वो दूध हमने मीठा किया है, तो वो फीका ही है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। मेरे घर में डेली डिमांड होती है इसको बनाने की, बट आई एम लाइक नहीं, डेली ये नहीं चलेगा। ऑल्टरनेट डे तो दे भी सकती हूँ क्योंकि पहिए के अंदर जो है वो बहुत मीठी स्टफिंग हो जाती है और अद्वी का ये है कि उसको तो न्यूटेला डाल के ही चाहिए। तो यहाँ पे बस अब मैं हस्बैंड के लिए भी ये टोस्ट बना के तैयार कर दूंगी। और यहाँ पे हमारा जैम वाला मिल्क टोस्ट भी बनके तैयार है। उनको मैंने एप्पल और बनाना के साथ सर्व किया है। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, एक क्रैकर, साथ में है यहाँ पर कुकम्बर स्टिक्स और हमस। और ये पूरा हमस मैं नहीं खाने वाली हूँ, बट ये कि पूरे घर में हमस सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो मैं अलग से नहीं लेती, मैं इसी में से लगा के खा लेती हूँ। और यस, मुझे सुबह को मीठा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो मेरा ब्रेकफास्ट वही था। और ब्रेकफास्ट का काम हो गया। इसके बाद किचन जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। जो भी बर्तन डिश वॉशर में लगने थे वो लगा दिए, और जो हाथ से साफ करने के थे वो हाथ से साफ कर दिए हैं। और ईवी जो है अब यहाँ पे मेरे साथ हो गई है तैयार पूरे घर का वैक्यूम करने के लिए। और जब एक कंटिन्यूअस मोशन और आवाज़ होती रहती है तो बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। एंड इट इज़ लाइफ सेविंग हैक फॉर मी। मेरा काम भी हो जाता है और मुझे उसे सुलाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और बस अब मैं वैक्यूम करती रहूंगी पूरे 3 फ्लोर का, और ईवी जो है इसी दरमियान सो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं उसको उसकी कॉट में लिटा दूंगी। कई बार थोड़ा सा टफ तो पड़ता है, जैसे नीचे से अगर कुछ झुक के मुझे उठाना है, और वो बेबी कैरियर में मेरे साथ है, बट टाइम के साथ जो है ना वो आदत पड़ जाती है। एंड यू कैरी इट रियली वेल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बिल्कुल ऐसे बंदर के बच्चे की तरह मुझसे चिपकी रहती है। एंड शी एंजॉय दिस टाइम एज वेल, और साथ साथ वो क्लीनिंग भी सीख रही है। तो बस घर की साफ सफाई सब कुछ हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था और फिर हम लोग निकले आज अद्वी के स्कूल के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि स्कूल जो है वो अब खुलने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो उसके लिए हमें लेनी थी, एक्चुअली सभी चीज़ें लेनी थी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ ही छोटी हो गई थी। और इधर पेपन कॉम में हम लोग आए थे और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सेल में भी लगी हुई थी। तो लिया तो है हमने कुछ चीज़ें, बट मेन फोकस हमारा सिर्फ अद्वी की शॉपिंग के ऊपर ही था। और कुछ चीज़ें हमें यहाँ से मिली, कुछ नहीं मिली। तो उसके बाद फिर हम लोग मॉरिसन गए, और मॉरिसन जो है वो हमने अपनी ग्रोसरी भी वहाँ पे ऑर्डर कर दी थी, और कुछ एक सामान हम लोग साथ लेके वहाँ से निकल गए। तो जैसे कि अद्वी की ये यूनिफॉर्म, इसको समर ड्रेस बोलते हैं, ये हमें यहाँ पर मिली, ये पेपन खो पे नहीं थी। और कुछ एक टी शर्ट्स वगैरह यहाँ से लेके मैं आपको पूरा शॉपिंग हॉल एक दिखाई दूंगी कि क्या क्या लिया है अद्वी के लिए। और अद्वी आजकल जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो हर चीज़ में हेल्प करे, तो अब ये भी उसका लर्निंग स्टेज है। तो उसको यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि किस तरह से स्कैन पे जाके वो स्कैन कर सकती है। और बस मैं अभी हस्बैंड से यहाँ पे कार्ड ही मांग रही थी, है ना, मॉरिसन का कार्ड होता है जिसमें आप पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं और फिर आपको कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं, कई बार मनी ऑफ मिल जाता है, कई बार किसी चीज़ के ऊपर ऑफर मिल जाता है। तो वो क्लब कार्ड हम लोग हमेशा यहाँ पे स्कैन करते हैं और बस इसके बाद फिर हम लोग पे करके यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर खाएंगे, आज अद्वी को मैकडी जाना था, लेकिन क्यू इतनी लंबी थी कि वहाँ 1 घंटे तक भी नंबर नहीं आने वाला था। और मैंने घर पे भी खाने की कोई तैयारी नहीं करी थी क्योंकि घर से निकले ही इसी हिसाब से थे कि हम लोग बाहर खाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे अद्वी और अद्वी के पापा इंजॉय करने वाले हैं पॉट नूडल। मैं ये नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं इतना पसंद, बट इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये देखिए मेरे लिए और कुछ नहीं था खाने के लिए, लेकिन मैंने सुबह को जो है ये रोटियाँ भिगो के रखी थी, तो ये काइंड ऑफ हमारा इवनिंग स्नैक होने वाला था। बट नाउ इट इज़ गोना बी माई लंच। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टैमरिंड सॉस डाल ली है, बाकी आप इसके ऊपर प्याज, खीरा, थोड़ी सी सेव वगैरह भी डालें तो बिल्कुल चाट वाला टेस्ट आता है। तो बस लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। नाउ आई एम थिंकिंग कि आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। तो अद्विका जो है वो बैकपैक लेकर आए हैं और इसमें ना कैविटी है छोटी छोटी सी जिसमें आप ये स्टिकर दिए हुए हैं, तो आप अपना नाम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक अद्विका जो है वो अपना नाम डाल देगी। और यहाँ पे ये जो टॉवल है, इट वॉज जस्ट 3 पाउंड, ये रिडक्शन में था। और ये प्रॉपर बाथ शीट है, काफ़ी बड़ा है ये, और ग्रे कलर का था। मेरे घर से थोड़ा सा मैच हो रहा था तो इसीलिए मैं ले आई, बाकी टॉवल्स जो हैं वो हमेशा वाइट ही यूज़ करते हैं, बट ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा था। देन आई वाज लाइक कि चलो ले लो। इसके बाद ये सॉक्स लेकर आई हूँ अद्वी के लिए, और आई थिंक इसके अंदर 5 पेयर हैं। और ये टी शर्ट है, ये हमने मॉरिसन से ली है, आपको स्कैनिंग के टाइम पे भी दिखाया था। तो 2 टी शर्ट हैं और मैंने अद्वी की, लाइक शी इज़ 9 ईयर ओल्ड, बट मैंने जो उसके कपड़े लिए हैं वो 11 से 12 या 12 से 13 के एज के लिए, बिकॉज वो थोड़ी सी टॉल है अपनी एज के हिसाब से। ये समर ड्रेस है, 2 का सेट है ये, और उसके स्कूल में जो है वो ब्लू चेक्स वाली चलती हैं, और ये रिडक्शन में हो रही थी। ये 7 पाउंड 50 पेंस की है और 1 पाउंड जो है वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का होता है, तो प्लीज़ आप गुणा भाग कर लेना क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता कि हर बार मैं कन्वर्ट करके बताऊं। तो 7 पाउंड 50 लगभग 750 रुपए की ये उसकी 2 यूनिफॉर्म है। इसके बाद उसकी जो ये ग्रे ड्रेस है ये ली है, ये आई थिंक पिपनको से ही हम लोगों ने ली थी, और इसका प्राइस अभी मुझे टैग यहाँ से दिखाई भी, यस आई थिंक 6 पाउंड, यस 6 पाउंड मैंने दिखाया सारी चीज़ें। और अच्छी प्लीट्स वाली है और अच्छा रहता है इसका स्टफ। और इस ये वाली जो यूनिफॉर्म है मैं मोस्टली जो है वो पिपनको से ही बाय करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने अद्वी के लिए ये शॉर्ट्स लिए हैं, ये साइकिलिंग शॉर्ट्स हैं और ये पीई में उसको ज़रूरत पड़ती है जब उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन वाली जो क्लास होती है उसमें इसी तरह के आउटफिट। और साथ ही 1 पेयर मैंने उसका लेगिंग का लिया है, ब्लैक लेगिंग, क्योंकि और 1 महीने बाद जो है वो ठंड शुरू हो जाएगी, तो सिर्फ जो है वो स्कर्ट वगैरह पहन के नहीं जाया जाएगा, टाइट्स या फिर लेगिंग चाहिए होती हैं। तो बस यही थी सारी की सारी शॉपिंग। और उसके बाद जो है वो ग्रोसरी भी आ गई हमारी और मुझे ग्रोसरी भी लगानी थी। देन आई वाज के क्विकली बस फटाफट डिनर बना लेती हूँ, और डिनर रेसिपी आज की बहुत अच्छी होने वाली है। और जिस दिन ग्रोसरी आती है ना तो वो भी एक्स्ट्रा ही काम होता है, सारी चीज़ वॉश करो, लगाओ, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बीच में जो टाइम मिलता है खाना बना लो, क्योंकि खाना जो है फिर वो टाइम पे ही चाहिए होता है। तो आप किसी और काम में लगे हुए हों और फिर अगर खाना ना बना हो बीच में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए शाम की सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पे तो वॉक में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म होते ही थोड़ा सा हींग डाला है, साथ ही मैंने 1 चम्मच जीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही जीरा भुनेगा इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेल पेपर, कैप्सिकम मेरे पास रेड थी, साथ ही मैंने अनियन ऐड करी है और बॉइल्ड पोटैटोज डाले हैं। सारी चीज़ें मैंने क्यूब्स में कट करी हैं यहाँ पे। और ये जो रेसिपी है वैसे तो आलू शिमला मिर्च आप कह दें, लेकिन इसके अंदर जो टेस्ट है वो कुछ कढ़ाई पनीर वाला भी आने वाला है, या फिर बोलूँ कि दम आलू वाला भी आने वाला है। तो अगेन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस वाली रेसिपी को। और आलू जो है वो बॉइल्ड ही लें, तभी वो अच्छा क्रंच उनके ऊपर आता है। अदरवाइज आप कच्चा अगर आलू इसके अंदर लेते हैं तो जब तक वो अच्छे से भुनता है तब तक शिमला मिर्च और प्याज जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं, या फिर आप उनको बाद की स्टेज में डालें। मैं इसको इसी तरह से बनाती हूँ, आप अपना तरीका भी ढूंढ सकते हैं। और बस यहाँ पे इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही ली है, आधा कप के करीब होगी। इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, साथ ही मैंने आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही जो है ये रूम टेम्परेचर की है और ये स्टोर बॉट है, ये घर की जमी हुई दही नहीं है। मेरे पास ये थोड़ी सी बची हुई थी। और कई बार ना कॉमेंट आ जाते हैं मेरे पास कि हम दही डालते हैं तो वो थोड़ी सी फट जाती है। तो अगर आप दही में इस तरह से मसाले मिला के डालेंगे ना तो दही कभी नहीं फटेगी और इससे टेस्ट भी अलग ही आता है। तो दही का जो मिक्स था वो मैंने बना के तैयार कर लिया। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टमाटर हरी मिर्च की, 1 हरी मिर्च मैंने डाल के वो प्योरे मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और बस अब हम टमाटर को अच्छे से भुनने तक यहाँ पे पका लेंगे। साथ ही मैंने सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे जल्दी से गल जाएं और हमारा मसाला फटाफट तैयार हो जाए। और 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर फ्रोज़न मटर ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप पहले से स्टीम कर लें या बॉईल करके रखें, या फिर आप शुरुआत में ही डाल लें। बट क्योंकि हम बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करते तो अगर आप रॉ मटर डालेंगे तो चांसेस हैं कि वो कच्ची रह जाएंगी। तो बेटर है कि आप स्टीम या फिर बॉईल करके ही उनको आप इस स्टेज पर ऐड करें। और इसके बाद मैंने 1 मिनट इसको ढक के पका लिया है ताकि जो मटर हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। जो यहाँ की फ्रोजन मटर आती हैं वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, उनको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। और बस जब सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं फाइनली आप इसके अंदर दही का जो मिक्स है वो ऐड कर दें। और दही डालने के बाद आपको लगातार चलाना है जब तक कि आपको किनारों से बबल्स ना दिखने लगे, इसके अंदर एक बॉयल ना आने लगे। और बस थोड़ी ही देर में जो है वो बॉयल आना शुरू हो जाएगा किनारों से, और जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। और ये देखिए, ये लग रही है ना बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपने कढ़ाई पनीर बनाया हो। तो ये आलू के साथ आपका कढ़ाई पनीर है या फिर ये कढ़ाई आलू है। सो वर्सेटाइल सी ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि फ्रिज में कुछ एक चीज़ें ही बची होती हैं, तब आप सारी चीज़ें मिलाकर इस तरह से कोई रेसिपी बनाएं तो वो बहुत टेस्टी बनती है। तो बस सब्जी हो गई है तैयार और सारा काम निपटा के बस अब मैं फटाफट फुलके भी यहाँ पे उतार लूँगी और बस गर्मा गर्म रोटियों के साथ मैं खाने को सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे थाली में मैंने सब्जी रख दी है, रोटी और साथ में गुड़, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी खट्टी है तो गुड़ के साथ वो बैलेंस हो जाएगी। अवनी के लिए मैंने सूजी की खीर बनाई थी आज और उसको मैं सूजी की खीर खिलाने वाली हूँ। और अद्वी के पापा यहाँ पे खाना खाएंगे, मैं उधर अवनी को खिलाऊंगी, तो इन तीनों का खाना हो जाएगा। फिर ये दोनों जो है वो अवनी को देखेंगे और फिर मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो आजकल घर में फॉलो होता है। अदरवाइज मैं जहाँ खाने बैठी वो एकदम मेरे पास ही आके बैठती है, बिल्कुल खाने नहीं देती। उसको प्लेट में हाथ मारना होता है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम आजकल यही फॉलो करते हैं। तो यही था मेरा आज का मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन। आई होप आपको आज की रेसिपीज, आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।